तो क्या गाइज आप लोग भी अपनी नॉर्मल सी फ़ोटो को काफ़ी अच्छी तरीके से एडिट करना चाहते हो कुछ इस टाइप से, तो गाइज़ आप लोग ने सही वीडियो पे क्लिक किया है। एंड आज की वीडियो में आप लोग को मैं कुछ इस टाइप से एडिटिंग सिखाने वाला हूँ जो यहाँ पे आप लोग को यूट्यूब पर अभी कोई भी नहीं बताया होगा। एंड गारंटी दे रहा हूँ आप लोग देख सकते हो कुछ इस टाइप से 16K में फ़ोटो एडिटिंग करना सीख जाओगे आप लोग भी। एंड मेरी फ़ोटो देख सकते हो कितनी लाजवाब लग रही है। एंड आप लोग भी ऐसी फ़ोटो एडिटिंग करने चाहते होगे बट सही तरीके से नहीं कर पाते होगे। एंड आप देख सकते हो इसकी ओरिजिनल वाली फ़ोटो कितनी बेकार लग रही है, अभी हम लोग की कोई फ़ोटो में एडिटिंग नहीं है। एंड हम लोग ने जो एडिटिंग किया है गाइज़ वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल की आई है, आप लोग के सामने मैंने यहाँ पे शो किया है देख सकते हो कुछ इस टाइप से। एंड आप लोग को ये एडिटिंग मैं सिखाने वाला हूँ बट आप लोग को एक स्टेप फॉलो करना होगा जो यहाँ पे आप लोग को ध्यान देके। तो जैसे कि गाइज देख सकते हो मैंने दूसरी फोटो में कुछ इस टाइप से एडिटिंग करके दिखाई है डिटेल बाय डिटेल। एंड आप लोग भी ऐसे 16K में फोटो एडिटिंग कर सकते हो। एंड नीचे आप लोग ने देखा ही होगा ओरिजिनल वाली फोटो भी आ रही थी। एंड अभी आप देख सकते हो कितनी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है। एंड ये ओरिजिनल वाली फोटो देख लो, ये रियल फोटो है। एंड गाइज आप लोग को ये फोटो मैं जो दिखा रहा हूँ ये रियल है। एंड इसकी हम लोग ने एडिटिंग करी है वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल की आई। देख सकते हो आप लोग भी ऐसे एडिटिंग कर सकते हो बैकग्राउंड चेंजिंग के एंड यहाँ पे डिटेल बाय डिटेल मतलब 16K फोटो एडिटिंग की। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं एंड आप लोग को वही स्टेप बताते हैं जो हम लोग ने यूज़ किया है एंड अपनी फोटो के अंदर। तो सीधे से आप लोग को क्या करना होगा वो ध्यान से देखना। तो गाइस अभी आप लोग को स्नैपशीट ऐप में फोटो को ओपन कर लेना होगा अपनी। एंड यहाँ पर अभी आप लोग को सेकेंड वाला नहीं फोर्थ वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर लेना होगा। यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप लोग की फोटो में कलर्स आ जाएंगे, आप लोग देख सकते हो जूम करके फोटो। तो यहाँ पर मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ, बिफोर आफ्टर आप लोग देख ही सकते हो बट हम लोग जूम भी करके दिखा देते हैं देख सकते हो कुछ इस टाइप से। इतना करने के बाद गाइज अभी आप लोग को सीधे से आप लोग हम लोग शेयर कर लेते हैं, ऊपर शेयर वाला ऑप्शन दिया हुआ है तो शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग को फोटो को कहाँ पे ऐड करना वो ध्यान से देखना। तो गाइज आप लोग को 14K एंड यहाँ पे 16K जो एडिटिंग रहती वो बताने वाला हूँ। तो आप लोग को 14K 16K फोटो एडिटिंग करने के लिए आप लोग को फोटो लीप ऐप में फोटो को ऐड कर लेना होगा। तो गाइज यहाँ पे मैंने फोटो को ऐड कर लिया, इस ऐप को आप लोग को डाउनलोड करना होगा तो ऐप स्टोर पर मिल जाएगा एंड यहाँ पे प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा। तो गाइज यहाँ पे आप लोग को AI बैकग्राउंड पे क्लिक कर लेना होगा। एंड क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप लोग के बैकग्राउंड बहुत से खुल जाएंगे एंड यहाँ पे देख सकते हो शो हो जाएंगे। एंड हम लोग ने कुछ इस टाइप से बैकग्राउंड को चेंज किया है, आप लोग भी फोटो लीप में अपने बैकग्राउंड को चेंज कर लेना, कोई भी बैकग्राउंड यूज़ कर लेना। एंड इसके बाद अभी आप लोग को यहाँ पे क्रोम पे आ जाना होगा। क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे आप लोग को सर्च करना होगा KREA.ai लिख देना होगा AI। तो गाइज इतना कर लेना होगा, इतना करते आप लोग को फर्स्ट वाली वेबसाइट मिल जाएगी। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फर्स्ट वाली वेबसाइट शो हो रही है। तो गाइज फर्स्ट वाली वेबसाइट में आप लोग को क्लिक कर लेना होगा। क्लिक करते गाइज अभी आप लोग को क्या ऑप्शन मिलेगा, 3 ऑप्शन मिलेगा देख सकते हो, बट हम लोग को जो यूज़ करना है वो इनसेस वाला है तो आप लोग को बीच वाला ऑप्शन यूज़ कर लेना होगा। एंड यहाँ पे आप लोग को कुछ इस टाइप से इंटरफेस शो होगा। एंड इसके बाद फोटो को ऐड कर लेना होगा ड्रैग एंड ड्रॉप पे, तो इस पर आप लोग को फोटो को जो ऐड करना होगा वो ऐड कर लेना एंड कुछ इस टाइप से अलाउ कर देना। एंड इतना करने के बाद आप लोग को फोटो ऑटोमेटिक सजेस्ट कर देगा एंड यहाँ पे नीचे आप लोग को स्टोर डाउन करना होगा कुछ इस टाइप से, आप लोग के सामने मैं शो कर देता हूँ देख सकते हो। नीचे स्टोर डाउन करूँगा तो 2K 4K 8K 16K। तो गाइस यहाँ पे अभी हम लोग 8K पे क्लिक कर दिया एंड यहाँ पे अभी आप लोग को 16K करना होगा तो 16K पे भी क्लिक कर सकते हो एंड हिनेसिस को कर देना फोटो, मतलब यहाँ पे देख सकते हो नीचे हिनेसिस का एक ऑप्शन दिया हुआ है तो यहाँ पे हो रहा है हिनेसिसिंग। तो गाइस आप लोग को इतना कर लेना होगा, इतना करने के बाद फोटो यहाँ पे ओपन हो जाएगी थोड़ी देर में। एंड यहाँ पे देख सकते हो आप लोग की फोटो शो हो चुकी है। एंड इसके फोटो के ऊपर हम लोग क्लिक कर लेते हैं जल्दी से, यहाँ पे आप लोग को शो करके दिखाते हैं कैसे इंटरफेस हुए। तो गाइज ये देख सकते हो कुछ इस टाइप से इंटरफेस हुआ है हम लोग की फोटो के अंदर, बिफोर आफ्टर आप लोग के सामने शो करके दिखा रहा हूँ। एंड अभी आप लोगों को क्या करना होगा मैं फिर से बता दे रहा हूँ, देख सकते हो बिफोर आफ्टर कुछ इस टाइप से एडिटिंग हो जाएगी। होने के बाद गाइज अभी आप लोग को फोटो को डाउनलोड कर लेना होगा एंड सीधे से डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करके वही फोटो को फिर से ऐड कर लेना होगा। दो बार करना होगा गाइज आप लोग को, दो बार तीन बार करना ही होगा। तो गाइज यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं दो बार, तो यहाँ पे फिर से फोटो को हम लोग ने ऐड किया है एंड ऐड करते हैं। यहाँ पे कुछ इस टाइप से ऑटोमेटिक सजेस्ट कर दिया है की फोटो को एंड यहाँ पे देख सकते हो फिर से वही ऑप्शंस आ गए हैं। यहाँ पे देख सकते हो अब ये नीचे शो हो रहा है। तो गाइस हम लोग कर लेते हैं 8K पे क्लिक एंड यहाँ पे हिनेसिस पे क्लिक कर देते हैं। तो गाइस देख सकते हो कुछ इस टाइप से अभी हम लोग ने 8K पे अब क्लिक किया एंड फोटो हो चुकी है ओपन। तो गाइस हम लोग फोटो के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, नीचे ओपन हो रही है गाइस देख सकते हो। एंड यहाँ पे हम लोग फोटो को ओपन कर लेते हैं क्लिक करके एंड देख सकते हो बिफोर आफ्टर कितना इंटरफेस हो रहा है गाइज आप लोग के सामने। मैंने 16K में फोटो एडिटिंग कर दिया। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो हम लोग की फोटो में काफ़ी अच्छा इंटरफेस हो रहा है एंड यहाँ पे 16K फोटो एडिटिंग हो चुकी है। एंड यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी नेक्स्ट लेवल की फोटो आ चुकी है। एंड ऐसी फोटो एडिटिंग आप लोग भी कर सकते हो मेरे स्टेप को यूज़ कर।